दोस्तों इतिहास इस बार जो है 90वें ऑल इंडिया फुटबॉल टूर्नामेंट में रचा गया है कि लोकल टीम जो नागपुर कामठी की टीमों को जो शामिल किया जाता है पहली बार फाइनल में पहुंची और फाइनल को विजयी किया जीता है। कुछ खिलाड़ियों से यंग मुस्लिम के बात करेंगे, क्या बताना चाहिए, किस तरह का सफर रहा, 10 दिन टूर्नामेंट चला, क्या बताना चाहिए? सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी चैंपियन हो गए हम यहाँ पे, पहली बार हुआ ऐसा 8-9 साल में। हमारी टीम में भी जैसे बाहर बाहर के और प्लेयर बुलाते हैं, जैसे पूसद और बाहर के भी कश्मीर वगैरह के भी बुलाते हैं, और मैनेजमेंट भी हमारा थोड़ा पावरफुल ही है, सब प्लेयरों से लेकर यहाँ पे यानी खेलने के बाद भी हमारे जो मैनेजमेंट है वो पूरा सपोर्ट में रहता है। और हमारी टीम का जो यहाँ तक का सफर रहा है कि सभी ने अपना बेस्ट दिया है, पूरा 100% एक एक प्लेयर हमारा, और हमारे सबसे ज्यादा हमारा कोच हमारी टीम को लेकर चला है, अभी यहाँ तक लाया है, उन्होंने हमारे चैंपियन कराया यहाँ पे। क्या तैयारी आगे, आगे कहाँ पर क्वालिफाई करना है, किस तरह से आगे? अभी जैसे हम खासदार के लिए एंट्री करे अभी, अच्छा। वो चालू हो रहा है 15 तारीख से, तो वहाँ पे भी इंशाल्लाह चैंपियन। ऑल इंडिया नहीं, ऑल इंडिया नहीं है, यहाँ पे लीग के टीम्स रहती है, तो उसको भी जीतने का प्रयास। हाँ हाँ इंशाल्लाह हम ही जीतेंगे। चलिए बहुत बहुत काफी कॉन्फिडेंस जो है यंग मुस्लिम के खिलाड़ियों में, और भी लोगों से बात करेंगे यहाँ पर। तो यंग मुस्लिम के और भी खिलाड़ी है हमारे साथ, उनके जो कोच है वो भी है, क्या बताना चाहेंगे? आज ही जो है आपकी टीम फर्स्ट टाइम ऑल इंडिया टूर्नामेंट में जो है इस तरह के फाइनल में पहुंची और फाइनल को विजयी किया, क्या बताएंगे, कैसा लग रहा है? बहुत खुशी की बात है, जिस तरीके से हम लोग ने पहले ही मैच से प्लानिंग करके आए थे जी कि इंशाल्लाह ये फाइनल हमको जीतना है, और वही प्लानिंग के तहत हम खेलते हुए अभी तक यहाँ तक का सफर तय किए और इंशाल्लाह कामयाब हो गए जी। और हमारे टीम मैनेजमेंट का काफी योगदान रहा, जावेद भाई, कामिल अंसारी साहब, अतर इंजीनियर साहब, नईम भाई, फिरोज भाई, जिया भाई, काफी मतलब काफी उन लोगों की मेहनत रंग लाई है। क्या तैयारियां है आगे, आपसे पूछना चाहूंगा, आगे जो है और भी इस तरह के टूर्नामेंट होने वाले हैं कि अभी खासदार क्रीडा महोत्सव में भी आप लोगों ने मेरे हिसाब से पार्टिसिपेट किया है, किस तरह से प्लानिंग है उसे जीतने की है? जी प्लानिंग तो ऐसी है कि इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो वो भी अपन ऐसे ही खेलेंगे अपना ग्राउंड बॉल, और जैसा खेलते हुए आ रहे, जैसे फॉर्मेशन में खेलते हुए आ रहे, कोच के अंडर में वैसा खेलेंगे, तो इंशाल्लाह वो भी कामयाब होंगे और अपना बेस्ट देंगे, इंशाल्लाह वो भी कामयाब करेंगे इंशाल्लाह। इस टूर्नामेंट के बारे में क्या बताना चाहेंगे, काफी आप लोगों ने 10 दिन 11 दिन से प्रयास किया है, क्या लगा था कि इतना आसान हो पाएगा ये सफर आपका फाइनल जीतने तक? नहीं, लगा तो ये नहीं था कि इतना आसान हो पाएगा, या इतना आसान था ये सफर, सफर तो बहुत मुश्किल था, लेकिन हमारे कोच के अंडर में उनके गाइडेंस में खेल के हमारे को थोड़ा वो अपना उत्साह दिलाया, थोड़ा जोश में जैसा लाया कोच साहब ने, उस वजह से हमने जैसा खेला, हमारी फॉर्मेशन वैसी रही, हमारे स्कोरर ने गोल किया, हमारे गोलकीपर ने बहुत अच्छा गेम खेल के दिया, हमारे पीछे बैक सपोर्ट अच्छा मिला, हाफ का सपोर्ट अच्छा मिला, इसलिए हमने कामयाब हुए आज ये टूर्नामेंट, ये हमारे कोच के और बाकी मैनेजमेंट की दुआ से ही हुआ। तो नईम साहब भी है कोच यहाँ पर, नईम साहब क्या बताना चाहेंगे आप? आज का मैच तो बहुत अच्छा हुआ और हमने अच्छा गेम खेला, और हम मैच के दरमियानी एक दो गोल मार के निकल गया था, लेकिन किस्मत थी, लेकिन गेम बहुत अच्छा हुआ, पब्लिक ने बहुत सपोर्ट किया और कमेटी का भी सहयोग अच्छा मिला। मैं पूरा राउंड जो है टूर्नामेंट के मैच के दौरान घूम रहा था, कहीं ना कहीं कुछ लोगों का कहना था 2 गोल खा के आज यंग मुस्लिम हारेंगी, 4 गोल खा के आएंगी, उनको क्या बताना चाहिए? वो उनका नजरिया था जी, लेकिन हमारा कुछ अलग वो था, हमने खेल के उनका जवाब दे दिया, अच्छा अच्छा गेम किया, अच्छा प्रिक किया, उसका जवाब दे दिया। ठीक है दोस्तों, मज्जू सेठ ऑल इंडिया फुटबॉल टूर्नामेंट के जो बेस्ट प्लेयर है बाबा भाई, जो ऑल जो यंग मुस्लिम क्लब के जो इन्हें गोल्ड मेडल दिया गया है, बाबा साहब, बाबा भाई क्या बताना चाहेंगे, किस तरह की जर्नी रही? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई जो आपको टूर्नामेंट का बेस्ट प्लेयर दिया गया है, क्या बताना चाहिए, किस तरह की जर्नी रही इस बार टूर्नामेंट? मैं तो पहले टीम का शुक्रिया अदा करूंगा कि हम लोग टीम ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया अच्छा यहाँ पर, और कोच मैनेजर और पूरे टीम का मेंबर का शुक्रिया अदा करूंगा कि हमारी टीम ने यहाँ पर इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया है। ऐसे हम चाहेंगे कि ऐसी आगे भी अच्छा खेलते रहे और अपने टीम का नाम रोशन करे, और यहाँ पर सब टीम हमारे प्लेयरों ने बहुत सपोर्ट किया हमको, सब प्लेयरों ने अच्छा यहाँ पर किया, अच्छा प्रदर्शन दिया। तो इस तरह की तैयारी के साथ ग्राउंड में उतरे, क्या प्लानिंग थी कि क्या वाकई जो है आप लोग जीत पाएंगे, ऐसा शुरू से प्रयास किस तरह से?
क्या करे, हमारी टीम सोची अगली टीम भी बहुत अच्छी थी, बहुत हमको लगा हम पहले थोड़ा डिफेंसिव खेले, बच्चा हमको सपनी ये थी कि थोड़ा पहले रुको रुको आपस में खेलो, खेल खेल के अपने को मूवमेंट बनाना है, हमारा बना भी चांस बना, अगली टीम का भी अच्छा बना, लेकिन टाई ब्रेकर में तो कोई वो नहीं रहता, दोनों टीम का लकी लक की बात रहती है, दोनों टीम ने अच्छा परफॉर्मेंस किया यहाँ पर। टूर्नामेंट कमेटी बहुत अच्छा उन्होंने यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया, यहाँ पर बहुत अच्छा लगा उन्होंने, अच्छा वो करा और सपोर्ट किया, हम लोग बहुत सपोर्ट किया उन्होंने भी हमारे टीम को, उसका शुक्रगुजार करते हैं। हर साल हर पॉलिटिक्स हर जो है इलेक्शन के समय पर और इस तरह के टूर्नामेंट के समय पर एक आश्वासन जो है कामती की जनता को दिया जाता है कि उन्हें जल्द जल्द जो है ग्राउंड दिया जाएगा, और बड़े बड़े नेता जो है हर साल यहाँ पर उपस्थित होते हैं इस स्टेज पर, इस स्टेज की शान बनते हैं, लेकिन जो शान कामती की है फुटबॉल, उसके साथ कहीं ना कहीं धोखा किया जाता है, उसके साथ कहीं ना कहीं आश्वासन देकर उन्हें साइड कर दिया जाता है कि उन्हें जल्द से जल्द ग्राउंड दिया जाएगा। इस बार जो है पॉलिटिक्स को परे रखकर स्टेज के माध्यम से ये ऐलान किया गया है कि डिफेंस मिनिस्टर को डेपुटेशन दिया जाएगा, और जो ये ग्राउंड है या ये ग्राउंड इसी तरह का कोई और ग्राउंड कामटी वासियों को, कामटी के खिलाड़ियों को दिया जाएगा। अब देखना यह है कि जो ऐलान इस स्टेज के माध्यम से किया गया है नेताओं द्वारा, क्या वो उसमें क्या प्रयास करते हैं और किस तरह से इसमें सफल होते हैं। बने रहिए एनजीपी न्यूज के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया। नया फोन लेने के बारे में सोच रहे हो तो सीधे चले आइए ओमकार मोबाइल, यहाँ आपको मिलेंगे सभी ब्रांड्स के नए मोबाइल और वो भी 0% फाइनेंस के साथ, और साथ ही पाइए सरप्राइज गिफ्ट भी। तो आज ले आइए ओमकार मोबाइल, गुजरी बाजार चौक कांटी।